अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज की वीडियो में हम ज्वेलरी बॉक्स को ही डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी आपको ज्वेलरी बॉक्स बनाना सिखाया था, तो आज मैं बनाना तो नहीं सिखा रही, लेकिन एक मौजूदा ज्वेलरी बॉक्स को हम इन्हेंस करेंगे। वो कैसे, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखें, एक सिंपल सा ज्वेलरी बॉक्स है। ऐसा ज्वेलरी बॉक्स ये हर घर में ही, तकरीबन हर लड़की के पास ही होता है। लेकिन इस ज्वेलरी बॉक्स का प्रॉब्लम यह है कि ये देखें, इसके अंदर कितनी थोड़ी सी स्पेस है चीज़ रखने के लिए। अब ये मेरे पास रिंग्स हैं, ख़ास तौर पे जैसा गोल्ड की रिंग है, ये रिंग्स जब मैं इसके अंदर डालूंगी तो वो आपस में रगड़ खाएंगी। हो सकता है कि उनकी शाइन ख़राब हो या कोई और इस तरह की ये रिंग है, इसके नग निकल जाने का डर होता है। मतलब सेफ़ नहीं होती इस तरह से बस सारी एकदम ऐसे करके डाल दी, नहीं, ये चीज़ नहीं। तो आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगी, उससे आपकी सारी रिंग्स भी सेफ होंगी, बल्कि ज़्यादा आपकी स्पेस यूटिलाइज होगी, एफिशिएंटली यूटिलाइज होगी। तरीका वही वाला है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन सिर्फ फ़र्क यह है कि वो एक रेक्टेंगल बॉक्स था और ये हार्ट शेप बॉक्स है जिसके मुताबिक हमने फ़िट करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक कपड़ा। अगर आपके पास वेलवेट का कपड़ा है तो ज़्यादा अच्छी बात है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने ये सिंपल लॉन का एक कपड़ा ले लिया। अब इस कपड़े की ये जो विड्थ है, ये इम्पोर्टेंट है कि हमने इसको बॉक्स के मुताबिक, ये ऐसे इसके मुताबिक हमने इसकी विड्थ रखनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मेजर करना है और उस हिसाब से इसकी विड्थ रख लेनी है। लेंथ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे इस कपड़े को, और उसके बाद हमें चाहिए फिलिंग के लिए एक कपड़ा। ये देखिए, मैंने उसी तरह का एक और कपड़ा ले लिया है, ऐसे रखा और इसको रोल कर देना है। बस ये देखिए, इस तरह का एक रोल बन गया है। अब मैं रोल इसके अंदर फिट कर दूंगी। ये देखें, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसी तरह ये मैंने एक और रोल बना के रखा हुआ है जिसकी विड्थ ये देखें इस वाले से कम है, क्योंकि हार्ट यहाँ से यूँ कम होता जा रहा है विड्थ में, इसीलिए हमने इसकी विड्थ भी कम रखनी है। ये देखें, इसी तरह जो इसके बाद है उसकी विड्थ उससे भी कम है, और थोड़ी सी एंड पे जो जगह बचती है उसके लिए एक छोटा सा ये एक और रोल मैंने बना लिया है। ये देखें, ये हमारा ज्वेलरी बॉक्स तैयार है। बस बहुत सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर हम रिंग्स रखेंगे तो वो आपस में ये देखें बिल्कुल टक्कर नहीं खाएंगी, उनका रंग ख़राब नहीं होगा, नग नहीं निकलेंगे, बल्कि आप ज़्यादा रिंग्स रख सकते हैं इसके अंदर। ये देखें कितना आसान था ये ज्वेलरी बॉक्स बनाना, और ये देखें कि हमारी रिंग्स कितनी अच्छी सी इसके अंदर फिट आ गई हैं, कोई ख़राब नहीं होंगी, रंग नहीं ख़राब होगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आइंदा आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत सारी इसी तरह की एक्टिविटीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी, तो देखते रहिए और सीखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।